श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम जी महाराज की जय चित्रकूट धाम की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय मंदाकिनी मैया की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री सीताराम जी। ये जो अयोध्या से चित्रकूट यात्रा है, क्या उद्देश्य है और क्या पूरा कार्यक्रम है इसका? ये यात्रा लगभग 48 वर्ष पूर्व से शुरू की गई है। जिस प्रकार भरत जी का त्याग वैराग्य और उसी त्याग वैराग्य के कारण वो चित्रकूट आए भगवान राम को मनाने के लिए, अयोध्या के राज सिंहासन को त्याग करके यहाँ पर पधारे और भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप अयोध्या का राज्य कार्य संभालें, क्योंकि हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं और अयोध्या के राज्य पर आपका ही अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ भरत का त्याग तपस्या और दूसरी तरफ भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमारे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बच न जाए। हमारे पिताजी का जो आदेश है, मैं 14 वर्ष कंटकाकीर्ण वन में हिंसक जंतुओं के मध्य पहाड़ों के मध्य रह करके ही व्यतीत करूंगा, अयोध्या का राशि शुभ वैभव नहीं स्वीकार कर सकता, इसलिए आप अयोध्या का राज्य का संभालें। भरत जी ने पुनः आग्रह किया कि प्रभु, मैं भी आप ही की परिस्थिति में हूँ, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर आपका अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरी माता कैकेयी ने जो भी कहा उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, और यदि आप वापस नहीं जाते हैं तो कोई अपना प्रतीक चिन्ह दीजिए जिसके माध्यम से आपके नाम से मैं अयोध्या का राज्यकार चला सकता हूँ, अपने नाम से नहीं। तो प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी सादर भरत शीश धरलिनी। भगवान ने अपनी पावड़ी दिया और भरत जी उन्हीं पादुकाओं को ले जा करके नंदीग्राम में स्थापित करके अयोध्या का राज सिंहासन ये मान करके कि मेरे प्रभु श्री राम यही हैं, अयोध्या का राज्यकार चलाया। इस प्रकार से ये द्योतित होता है कि हमारे परिवार की एकता के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए त्याग वैराग्य की स्थिति बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विध्वंस होगा और हमारे देश का जो विकास है वो रुक जाएगा। इसलिए चाहे वो कोई घर हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, कोई भी हो, अगर उसमें त्याग और वैराग्य की स्थिति नहीं है तो निश्चित रूप से वो नष्ट होगा। इसी कारण से उन्होंने सारी जनता को एक मार्ग निरूपित किया कि आप लोग त्याग वैराग्य को स्वीकार करते हुए और शासन सत्ता करें, अन्यथा निश्चित रूप से वो वैभव नहीं रहेगा, वो सत्ता नहीं रहेगी। ये जो है उपदेश दिया भरत जी ने यहाँ पर आकर के, जंगल में आकर के। उस समय न कोई रोड थी, न लाइट थी, न कोई सुख सुविधाएँ थी, लेकिन यहाँ पर सारे वैभव को त्याग करके भरत जी आए और भगवान ने जिस प्रकार से वैभव का त्याग किया उसी तरह भरत जी ने अयोध्या के राज सिंहासन को भी त्याग दिया और अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में जिस तरह भगवान राम कुटी में रहते थे उसी तरह भरत जी ने भी कुटिया छुआ करके और सारा राशि वैभव सुख भोग विलास को त्याग करके 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य कार्य प्रभु के आदेशानुसार चलाया। इस प्रकार से जनता जनार्दन को ये सीख होनी चाहिए कि वो अपने परिवार के लिए, देश के लिए त्याग करें, तभी जो है उनकी महत्ता होगी और तभी देश की महत्ता होगी, घर परिवार की महत्ता होगी, अन्यथा वो महत्ता नहीं हो सकती है। भरत यात्रा चित्रकूट राम घाट पहुंची हुई है,
आज क्या क्या कार्यक्रम रखे गए इस पर? आज जो है उनका यहाँ पर प्रसाद, सारी जो भी अयोध्या पूर्व से लगभग 250-300 लोग पधारे हैं साधु संत, उनके लिए फलाहार की व्यवस्था, और इसके साथ ही एक छोटा सा प्रहसन भगवान राम अपनी खड़ाऊँ भरत जी को देंगे और वही पादुकाएँ लेकर के भरत जी यहाँ से अयोध्या वापस जाएंगे और उन्हीं पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित करेंगे। और ये जो पुरानी परंपरा है जो त्रेता युग में घटित हुई थी उसको सजीव स्वरूप प्रदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। की तैयारी में समय के को देखते हुए महापुरुषों ने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, पूज्य श्री ब्रह्मचारी महाराज ने देश की स्थिति परिस्थिति झंझावात कला को देखते हुए भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र प्रेम मूर्ति भरत जी की यात्रा प्रारंभ की। अयोध्या से चल करके प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज चित्रकूट में भगवान राम को मनाने के लिए आए, प्रथा प्रवचन भाई के साथ भाई का ऐसा प्रेम होना चाहिए। आप देख रहे सुन रहे सारे महापुरुषों ने वर्णन किया है बताया। अयोध्या का राज गेंद की तरह बन जाता है और आज क्या होता है बालीला की कथा सुनाते हैं कि वह खेल में भाई की जीत होती है तो दूसरा भाई उत्सव मनाता है और उत्सव साधारण नहीं, साधारण उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। लिखा गोस्वामी जी ने प्रभु भक्त बजगज बाज वसन मन हे जन्म न दूसरे द्वार गए, दूसरे के दरवाजे पर जाने की कभी आवश्यकता, जिसको दान मिला यह भ्रात प्रेम और आज थोड़ी सी उसके लिए लोग लड़ रहे हैं। समाज में कैसे प्रेम होना चाहिए, माता के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, इस आदर्श की स्थापना के लिए जब तक समता नहीं आएगी, जब तक समरसता नहीं आएगी, जिसके लिए हमारे महापुरुष हाथ उठाते थे, गर्व के साथ गाते थे, भारत मेरा सिर इस देश के उत्तर का भाग है, मेरे दोनों भुजाएं इस देश के पूर्व और पश्चिम के भाग है, मेरा पैर इस देश के दक्षिण का भाग है, लेकिन दुर्भाग्य था माँ भारती के अंग छिन्न भिन्न हो गए और राज लोग देखते रहे। ईरान बना, अफगान बना, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, आप क्या बनाओगे बोलो ना, ईसाई लड़ने की तैयारी क्या क्या मैं सुनाऊ, मैं अखबार कभी नहीं पढ़ता हूँ, कभी पत्र पत्रिका अखबार कभी नहीं पढ़ता हूँ, रेडियो टेलीविजन ना हमें फुर्सत है, रेडियो आप लोगों ने इतना व्यवस्था दी है, इतना व्यवस्था दिया है ठीक रूप से संचालन, लेकिन मेरी सारी व्यवस्था, मेरा सारा पूजा पाठ, मेरा सारा धर्म कर्म, अब जो कुछ बचा है वो राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। आज भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र के द्वारा भगवान श्री राम जी ने सबको परिकृपा की है, सबको अपनाया है, सबको अपनाया, सबको प्रेम दिया है, लेकिन हम उन्हीं के भक्त होते हुए, उन्हीं के अनुयायी होते हुए तरह तरह के विवादों में पड़े हुए, तरह तरह से द्वैत में पड़े हुए। अरे दक्षिण में हमने देखा है, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, दक्षिण में हमने देखा कुछ भाई लोग जब चलते थे तो घंटी बजाते चलते थे, मेरी परछाई न पड़ जाए बड़ों के ऊपर, हे महाराज बस दो चार ज्यादा नहीं, कहीं परछाई न पड़ जाए, लेकिन समय बदला, वही भाई तुमसे दूर हो गए, तुमसे दूर हो गए,
हम छोटे गांव की चर्चा नहीं करते हैं, मेरी यात्रा बराबर दक्षिण की होती है, बराबर केरल में मेरा कार्यक्रम लगता रहता है, बुलाहट होती रहती है। वही भाई तुम से ईसाई मिशनरियों की बाढ़ बराबर चली आ रही है, छोटे छोटे गांव में बड़ी बड़ी ईसाई मिशनरियां दिखाई पड़ रही है, और आज तुम लोग आपस में लड़ रहे हैं, और ये वोट के भूखे भेड़िए तुम्हें किस तरह से बांटने में लगे हुए हैं। आइए, अगर राष्ट्र की रक्षा करना है, अपनी अस्मिता की रक्षा करना है, अपने धर्म कर्म की रक्षा करना है, तो भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र को अपनाइए। सबको प्रेम दिया है, प्रेम घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भाई बहन, हमारे भाई बहन सब प्रकार से प्रशिक्षित होकर के उन उन स्थानों पर भी पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना बड़ा असंभव होता है, और सब कार्य में लगे हैं। वो दिन दूर नहीं है, यह निश्चित है, हमें दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास के साथ में आपके साथ में कह रहा हूँ, आपके समक्ष कह रहा हूँ, माँ मंदाकिनी के तट पर मैं कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है, ये सारा राष्ट्र एक संगठित होगा, समय दूर नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और ये राम जन्मभूमि बन रहा है, राम जन्मभूमि के साथ साथ एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा, ये निश्चित बात। समय आ गया है, समय आ गया है, अगर तुम संगठित नहीं होगे तो ये सारी वाणी बेकार चली जाएगी। समय आ गया है, समय रहते चीन संभल गया, चीन संभल गया, उसने समान संहिता लागू कर दी, ये तो महामारी आ गई। महामारी नहीं आती तो हमारे प्रधानमंत्री जब तक धारा 30 तक पहुंच गए होते, अब तक धारा 30 को खत्म कर दिया होता। ये धारा 30 जानते हो, इन बेमानों ने, इन नेताओं ने तुम्हारे साथ में कितना बड़ा छल किया है, इस राष्ट्र के साथ का कितना बड़ा अपमान किया है, जिनको तुम पूज्य मानते हो, जिनकी जय घोष बोलते हो, अब तक धारा 30 खत्म कर दिया होता। और जब तक धारा 30 नहीं खत्म कर पाएंगे तब तक समान संहिता पर भी ये पहुंच नहीं सकते, ये निश्चित बात है। इसके लिए आप संगठित होकर के, हम देखिए, हम कभी वोट मांगने नहीं, हमें कभी चुनाव नहीं होना चाहिए, सत्य कह रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं चुनाव होना उसे, केवल हमारा एक ही लक्ष्य राष्ट्र है, राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। जय सियाराम, हमारी यात्रा का यही लक्ष्य है, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारा पूरी।